हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उमर फारूक। सो चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 4, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी आर्किनियस कॉन्सेप्ट। आर्किनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा जब वो अपना प्रोटॉन जो है वो लूज़ कर देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम आर्किनियस जो है वो कहेंगे एसिड। और बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो वाटर के अंदर अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप खो देगा, तो वो आर्किनियस बेस होगा। ठीक है जी, तो आर्किनियस एसिड जो है और बेस दे वर्क इन एक्वस मीडियम। ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मसलन जो है ड्राई HCl जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता, ये कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर नहीं बता सकता, ये अमोनिया की नेचर नहीं बता सकता। ऐसे कंपाउंड जिनकी pH तो कम होती है लेकिन उनके बारे में ये नहीं बता सकता, ठीक है, उसको हम आर्किनियस एसिड कहेंगे। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड डॉरी ने 1923 के अंदर कॉन्सेप्ट पेश किया था जिसको हम BL कॉन्सेप्ट कहते हैं। इन्होंने दोनों ने अलग-अलग काम किया था, अलग-अलग काम करने के बाद इन्होंने हमें बताया था। अब इनके मुताबिक एसिड हमेशा एक सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन खो देगा, जबकि बेस एक सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है जी, दैट इज़ एसिड एंड बेस। ओके, देन वी हैव लिमिटेशंस। ये भी कुछ कंपाउंड्स की जो है नेचर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, सो इसलिए इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं। मसलन ये जो है BF3 को एक्सप्लेन नहीं करता, AlCl3 को एक्सप्लेन नहीं करता, बट दे हैव सर्टन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर्स। क्लास वर्क में आपने जो है इसका लेआउट लिखना है जी आर्किनियस कॉन्सेप्ट का, ठीक है जी, और इसको आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। होमवर्क में आपने BL कॉन्सेप्ट का लेआउट लिखना है और इसको सब जो है वो करवाना है। अच्छा, इसमें ना एक जो डेफिनेशन है BL कॉन्सेप्ट के अंदर वो ये भी है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि दे आर दो सब्सटेंसेस विच बिहेव एसिड एज वेल एज बेस। मसलन वाटर जो है वो कुछ रिएक्शंस में एसिड होगा और कुछ में वो बेस के तौर पर काम करेगा। ठीक है जी, तो आपने इसको राइट अप करना है और सबमिट करवाना है। ठीक है, हैव अ गुड डे।